जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से चले, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और 3री तक के जो बच्चे हैं उनके जो है कक्षाएँ उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे, और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजेंगे तो किसी कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से जारी है वो ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, वो बिल्कुल उस तरीके से जारी रहेगी। सर 20 सितंबर से जो स्कूल खोले जाएंगे उसमें कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और दूसरा पेरेंट की सहमति अगर होगी तभी बच्चे स्कूल आएंगे, क्या कंडीशन क्या रहेंगे? हाँ निश्चित तौर से, वो जैसे पहले भी हमने किया था वो उसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखवा के लेके आना पड़ेगा बच्चे को, या ये समझ लो कि पेरेंट्स लिख के दे के जाएगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो लिख के देंगे जाएंगे तो निश्चित तौर से मतलब ऐसा हमने प्रावधान किया कि वो लिख के दे के जाए और उसको बच्चे को भेज सकते हैं तो उसकी। और कोविड के बारे में जो नियम पहले से थे वही नियम उसी प्रकार से जारी रहेंगे, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है कि बच्चों की दूरी जो है वो एक क्लासरूम में कहीं भी 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, जहाँ उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है वो भी उसी प्रकार से चेक होगा, और भी जाए चाहे सैनिटाइज की बात है उसके लिए हमने राशि भी सब स्कूलों को दे रखी है, तो वो राशि भी हमने टीचर्स का वैक्सीनेशन होना था सर, वो कितना हो चुका है? टीचर का वैक्सीनेशन का हमारा पूरा प्रयास है और हम उसमें लगे हुए हैं, 70% जो हमारे टीचर हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। सर जो 4थी से 5वीं और 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के जो स्कूल चल रहे हैं उसकी हाजिरी प्रतिशत क्या है सर, अभी कुछ आंकड़ा है? कि अगर हम औसत लगाएं तो वो लगभग 70% के आसपास बैठती है, लेकिन कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहां अभी कम बच्चे रहे, जैसे करनाल, मेवात और पलवल, यहां हमारे 30 और 40% बच्चे, 30 से 40% तक बच्चे रहे, लेकिन अगर सारा टोटल करें तो 70% बच्चे हैं हमारे। और 9वीं से 12वीं में जो है वो हमारे कुछ कम है, वहाँ 45% बच्चे हमारे स्कूल में आए।